दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपका प्रजापति न्यूज में। दोस्तों क्या आपको मालूम है टिकटॉक ऐप लोगों का डेटा कैसे चुराता था और उस डेटा का क्या क्या करता था। शायद आपको ये भी नहीं मालूम होगा कि टिकटॉक ऐप के जरिए लोगों का मोबाइल तक हैक हो रहा था। कैसे हो रहा था, इन सभी सवालों का जवाब आज के इस वीडियो में मिलेगा। टिकटॉक आप ये बात बहुत अच्छी तरह से जानते होंगे कि हमारे देश में जो बस कुछ ही दिन पहले 59 चाइनीज ऐप बैन हुए हैं, उनको बैन करने का असली मकसद चाइना को उसकी औकात दिखाना तो था ही, लेकिन उसके साथ साथ लोगों के डेटा को भी सेफ करना था। लेकिन आप माने या ना माने, लेकिन वो सभी चाइनीज ऐप सेफ्टी की कैटेगरी में बिल्कुल भी खरी नहीं उतरी, खास करके आपका मनपसंद टिकटॉक। ऐसे में हर किसी के मन में ये सवाल चलता होगा कि आखिर टिकटॉक लोगों का डेटा कैसे चोरी करता है। तो दोस्तों आपके इसी सवाल का जवाब आज मैं यानी आपका दोस्त विशाल प्रजापति अपनी इस वीडियो के माध्यम से दूंगा। चलिए आपका ज्यादा समय न लेते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन हाँ, वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो के नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लें, और साइड में बेल आइकॉन भी दिख रहा होगा, उस पर भी क्लिक कर लें ताकि आपको वीडियो मिले सबसे पहले। अगर आपको इतना कुछ होने के बाद भी इस चीज में डाउट है कि चाइना हमारा डेटा नहीं चुराता, तो आपका हम कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि हमने बार बार अपने वीडियो के माध्यम से आपको ये बताया कि किस तरह चाइना लगातार साजिश पर साजिश रच के भारत को बर्बाद करने में जुटा हुआ है। और ये न सिर्फ भारत को, बल्कि वो तो पूरी दुनिया को तबाह करना चाहता है ताकि वो दुनिया का सबसे शक्तिशाली देश बन सके। और ऐसे में वो लोगों का डेटा चुरा कर जानने की कोशिश करता है कि किस देश के लोग किस तरह की सोच रखते हैं। और इन्हीं सब चीजों के लिए उसने टिकटॉक और हेलो जैसे ऐप लॉन्च किए ताकि लोग ज्यादा से ज्यादा इस ऐप का इस्तेमाल करें और अपनी सभी डिटेल्स इसमें डालते चले जाएं, जिससे चाइना अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर पाए। पर यहाँ सवाल यह आता है कि आखिर चाइना टिकटॉक के जरिए डेटा कैसे चुराता है। आगे की वीडियो आपको हैरान करके रख देगी, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। और हाँ, अगर वीडियो को लाइक नहीं किए हो तो तुरंत लाइक कर दीजिए। तो दोस्तों हम आपको बता दें कि सबसे पहले जब कोई ऐप डाउनलोड करते हैं तो उसमें आपसे परमिशन मांगी जाती है, और जैसे आपने अलाउ किया, अब आपकी कोई भी एक्टिविटी टिकटॉक से छुपी हुई नहीं है, क्योंकि बिना अलाउ किए आप टिकटॉक इस्तेमाल नहीं कर सकते। और अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो आपको अपने फोन में मौजूद जितनी भी प्राइवेट चीजें हैं वो टिकटॉक को शेयर करनी पड़ेंगी। जाहिर सी बात है, कोई चीज आपके फोन में इंस्टॉल है तो उसके पास आपके स्क्रीन एक्टिविटी से लेकर आप किससे बात कर रहे हैं, आप कितनी देर बात कर रहे हैं, आप किस तरह की चीजें सर्च कर रहे हैं, आप क्या देखते हैं क्या नहीं देखते हैं, आपके पास कितना पैसा है, बेसिकली आप किस तरह के इंसान हैं, ये सब उस ऐप को पता चल जाएगा जो कोई और नहीं बल्कि टिकटॉक है। और फिर टिकटॉक से सारी इंफॉर्मेशन अपने सर्वर तक पहुंचा देता है जिसे चाइना में बैठे वहां के लोग ऑपरेट करते हैं। अब हम आपको बता दें, चाइना में ये रूल है कि कोई भी चीज प्राइवेट नहीं रह सकती, चाहे वो किसी भी कंपनी की डिटेल्स हो या फिर किसी इंसान द्वारा सर्च की जा रही चीजें। और इन्हीं सब रूल्स और रेगुलेशन के चलते टिकटॉक जैसी बड़ी बड़ी कंपनीज अपना सारा डेटा चाइना की गवर्नमेंट को बड़े प्यार से थमा देती है। और फिर यहाँ से खेल शुरू होता है, क्योंकि डेटा सिर्फ चाइना की गवर्नमेंट के पास नहीं जाता, बल्कि आपका सारा डेटा डार्क वेब में बेच दिया जाता है। अगर आपको न पता हो डार्क वेब क्या होता है, तो हमने इसके ऊपर विस्तार से एक वीडियो बना रखी है, आप डिस्क्रिप्शन पर दिए गए लिंक पर जाकर डार्क वेब के बारे में जान सकते हैं। और फिर आप ये समझ जाएंगे कि किस तरह लोग बिना अपना नाम पता या फिर कोई आइडेंटिटी बताए आपके पूरे डेटा को बेच देते हैं। जी हाँ, आप और हम जितनी भी चीजें करते हैं वो सब एक डेटा में स्टोर होता है, जिससे पता चल सके कि आप किस तरह के इंसान हैं। और फिर वही टाटा इंश्योरेंस कंपनी या फिर किसी बड़े ब्रांड को बेच दिया जाता है, और ये सारा काम डार्क वेब के जरिए होता है। इस चीज को हम और अच्छे से समझते हैं, क्योंकि जब कभी भी हम अपने मोबाइल पर कोई ई कॉमर्स वेबसाइट का इस्तेमाल करके कुछ खरीदते हैं तो हम देखते हैं कि जो कुछ भी हम सर्च करते हैं हमें उसी प्रोडक्ट का बार बार एड दिखना शुरू हो जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब कभी भी आप कुछ सर्च करते हो तो वो डेटा ऑटोमेटिक रीस्टोर होकर उसी ई कॉमर्स कंपनी तक पहुंच जाता है, जिसके बाद कंपनी समझ जाती है कि आपको क्या चाहिए था, और इसीलिए आपको वही चीज बार बार दिखाकर एनकरेज किया जाता है कि आप उसे खरीद ले। सेम ऐसा इंश्योरेंस या फिर लोन जैसी चीजों में होता है, जहां जब आपको लोन या फिर इंश्योरेंस करवाने की जरूरत होती है तो आपके पास बहुत सारे फोन आते हैं, लेकिन जैसे ही आप अपना इंश्योरेंस करवा लेते हैं तो आपको एक भी फोन नहीं आता। ऐसा क्यों? हम आपको बता दें, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि सभी कंपनीज एक होती है, और जब आप एक बार उनके कस्टमर बन जाते हैं तो उन्हें पता है कि अब आपको फोन करके समय बर्बाद करने से कोई फायदा नहीं है, इसलिए वो अगले बकरे की तलाश में चले जाते हैं, और फिर सारी चीजें इसी तरह होती चली जाती हैं। अब बात आती है, जब सर्वर कंपनी चाइनीज सरकार को डाटा देती है तो क्या होता है?
तो दोस्तों वही होता है जो आजकल हो रहा है। जी हाँ, चाइना की सरकार एक एक चीज बहुत ध्यान से देखती है, जिससे पता लगाती है कि उसके दुश्मन देश में क्या चल रहा है और क्या नहीं, किस तरह के इंसान किस तरह की सोच रखते हैं, और इन सभी चीजों को प्रॉपर एनालिसिस किया जाता है ताकि ये जाना जा सके कि अब उन्हें उनको इन्फ्लुएंस करने का और कौन सा नया तरीका ढूंढना होगा। हम आपको बता दें, जब Redmi जैसी फोन कंपनीज हमारे देश में आई तो उन्होंने हमें पूरी तरह से एनालिसिस किया हुआ था, हम वाकई में किस तरह की सोच रखते हैं, और फिर जाकर ये जितने भी सोशल नेटवर्किंग साइट और टिकटॉक जैसी चीजों को और ज्यादा प्रमोट करना शुरू कर दिया, क्योंकि वो तब तक समझ चुके थे कि भारत जैसे देश के लोग एंटरटेनमेंट पर ज्यादा फोकस करते हैं और उन्हें बहुत कम समय में बढ़िया देखना है, और इसी वजह से उन्होंने 30 सेकंड की वीडियो वाले ऐप म्यूजिकली को और ज्यादा अपग्रेड कर दिया, जिसे फिर बाद में टिकटॉक नाम दिया गया, और उसका भारी मात्रा में प्रमोशन भी किया ताकि लोग ज्यादा से ज्यादा इसे डाउनलोड करें और फ्री में अपना समय बर्बाद करें, क्योंकि चाइना की गवर्नमेंट तो वैसे भी नहीं चाहते कि भारत या फिर किसी और देश के लोग कुछ काम करें और अपनी लाइफ में सक्सेसफुल हों। बाकी हमें पूरा विश्वास है, आप ये समझ गए होंगे कि किस तरह हमारे डेटा को चुरा कर टिकटॉक बेचता था या फिर अपनी गवर्नमेंट को देता था, जिससे जाना जा सके कि हम किस तरह के कस्टमर या फिर इंसान है, और फिर डेटा का मिसयूज भी बहुत भारी मात्रा में होता है, जहां पर कई सारे लोग आपको ब्लैकमेलिंग तक करने लग जाते हैं। इस तरह के कई सारे केसेस आप लोगों ने इंटरनेट या फिर टीवी न्यूज वगैरह में देखे होंगे। ऐसे में अब मौका है कि जब सरकार ने इस तरह के चाइनीज ऐप को बैन कर दिया है तो आप भी अपनी पूरी प्राइवेसी का ध्यान रखें, वरना कल को आप भी ब्लैकमेलिंग का शिकार हो सकते हो। जिससे बचने के लिए आपको अभी से ही सिर्फ वही ऐप इस्तेमाल करने हैं जो सिक्योर है, यहाँ तक कि अपने फोन में भी बार बार सिक्योरिटी चेक करते रहें ताकि कोई गड़बड़ सामने ना आए। अब आपका इस बारे में क्या कहना है हमें कमेंट करके बताइए, और इस वीडियो को हर एक ग्रुप में आग की तरह शेयर कर देना ताकि सभी लोगों तक ये वीडियो पहुंच जाए। ऐसे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लगातार लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए, और हाँ, हम फिर मिलेंगे नई वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पे दो और वीडियोस दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए आप इस स्क्रीन पर क्लिक करें, दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।